स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क हार्बर के पास एक छोटे से टापू पर बनी एक विशाल प्रतिमा है जो अपने एक हाथ में मसाल और दूसरे में एक किताब लिए खड़ी है। इस प्रतिमा को सन 1886 में फ्रांस ने अमेरिका को अपनी मित्रता प्रतीक के रूप में भेंट किया था। स्टैचू ऑफ लिबर्टी को बनने में लगभग 9 साल से कुछ ज़्यादा का समय लगा था। इसके कुछ भाग फ्रांस में बने थे जिसमें इसका सिर भी शामिल है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी की ऊंचाई 22 मंजिला इमारत के बराबर है। आधार से लेकर मूर्ति की मसाल के शिखर तक की ऊंचाई 306 फुट या 93 मीटर है। दोस्तों, मूर्ति के पैरों से लेकर इसके मसाल वाले हाथ तक की लंबाई 151 फीट 1 इंच या 46 मीटर है। इस हिसाब से यह दुनिया की 47वीं सबसे ऊंची मूर्ति है। प्रतिमा का कुल वजन 225 टन या 2,25,000 किलो का है। प्रतिमा के ताज से जो 7 नुकीली किले निकली हुई है वह संसार के 7 महाद्वीपों को दर्शाती है। एक किल की लंबाई 9 फीट और वजन 68 किलो है। ताज पर 25 खिड़कियां भी है जो धरती के रत्नों को दर्शाती है। मूर्ति के ताज तक जाने के लिए 354 घुमावदार सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी की मसाल 1876 में सबसे पहले बनकर तैयार हुई थी, परंतु 1916 में पहले विश्व युद्ध के समय जर्मन सैनिकों द्वारा किए गए बम हमले के कारण यह मसाल क्षतिग्रस्त हो गई। इसको दोबारा ठीक करने में $1,00,000 का खर्च आया था। उसके बाद मसाल की सीढ़ियों को बंद कर दिया गया। स्टैचू ऑफ लिबर्टी की पुरानी मिसाल को 1984 में ताबे की एक मसाल के साथ बदल दिया गया था जिस पर 24 किलो सोने का पत्रा चढ़ा हुआ था। प्रतिमा के बाएं हाथ में एक किताब है जिस पर अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस की तारीख रोमन लैंग्वेज में लिखी गई है। उस तारीख है 4 जुलाई 1776। इस मूर्ति को रोमन देवी लिबर्ट से प्रेरणा लेकर बनाया गया है क्योंकि उसे स्वतंत्रता की देवी माना जाता है। मूर्तिकार ने इसे अपने माँ के चेहरे पर बनाया था। मूर्ति की ऊंचाई के कारण साल में लगभग 300 बार आकाशीय बिजली भी इससे टकराती है। अगर इस बिजली को इकट्ठा किया जाए तो यह 600 वोल्ट बनती है। इस पर बिजली गिरते हुए पहला फोटो 2010 में खींचा गया था। साल 1929 और 1932 में 2 लोग इस मूर्ति से कूद कर आत्महत्या कर चुके हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो कूदने के बाद बच गए। हर साल 30 लाख से ज़्यादा लोग स्टैचू ऑफ लिबर्टी की यात्रा करते हैं। 28 अक्टूबर 2021 में यह मूर्ति अपना 135वां यानी 135वां जन्मदिन मनाएगी। जब स्टैचू ऑफ लिबर्टी की मूर्ति बनकर खड़ी हुई थी तब यह लोहे की सबसे ऊंची संरचना थी। दोस्तों, आज का यह वीडियो कैसा लगा वो चैट सेक्शन में ज़रूर से लिखना और
इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।